गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो यूपी के नीट के जो एप्लीकेशन जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे उनके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं काउंसलिंग के लिए, वो अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यूपी से नीट का एग्ज़ाम दिया था और उन्हें नीट के लिए अप्लाई करना है, उन्हें MBBS बनना है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि नीट की काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। वो किस डेट से प्रारंभ हुई है, क्या कब तक भरे जाएंगे और कहाँ से भरे जाएंगे और क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो सबसे पहले हम आते हैं गूगल पर और गूगल पर डालते हैं यहाँ पर यूपी नीट। डालने के बाद सीधा एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर क्लिक करना है आपको यूपी नीट पर। जैसे ही आप यूपी नीट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने ये यूपी नीट का फॉर्म और वो सॉरी काउंसलिंग का जो डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट है, वो ओपन हो चुकी है और आप इसके बारे में किस तरीके से फॉर्म फिल कर पाओगे और क्या क्या डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अबाउट काउंसलिंग में सीधे नीचे जाएंगे, काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने है जो उसका जो PDF है सामने आ जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप डायरेक्ट देख पाओगे। तो फ्रेंड्स ये है शेड्यूल यूपी नीट UG 2019 का 21 जून 2019 फ्रॉम 4:04 PM टू 24 जून 2019, 21 जून 2019 से 4 बजे तक 24 जून 2019 तक चलेगा ये, और जो 4 बजे से प्रारंभ हुआ 21 जून को और 24 जून 2019 तक चलेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 25 जून को आ जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिक्योरिटी जो फीस है वो 26 जून से 30 जून के बीच में फिल होगी, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक की। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में होगी और डिक्लेरेशन रिजल्ट है जो 5 जुलाई को आ जाएगा आपका रिजल्ट। और डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में होंगे और डेट ऑफ एडमिशन 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होंगे। तो ये था प्रोसीजर, शेड्यूलिंग शेड्यूल था उसका यूपी नीट का। और फ्रेंड्स इसके बाद ये दिखाया आपका कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट दी है। डिपॉजिट जो मैं आप ओपन करके दिखाया वही वेबसाइट है। डिपॉजिटिंग रुपए 2000, रजिस्ट्रेशन फीस जो 2000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और राइट्स कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट एट द नोडल सेंटर फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स। तो जो नोडल सेंटर जो भी बनाया गया है वहाँ आपको वेरीफिकेशन कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स का नोडल सेंटर के पास। और उसके बाद अगला आता है समिट बैंक ड्राफ्ट ऑफ सिक्योरिटी फीस इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो डायरेक्टर मेडिकल इसके लिए आपको करना होगा बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा वो यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम से। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन ओनली CTS बैंक ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड, ओनली जो CTS का बैंक ड्राफ्ट रेट है वो ये एक्सेप्टेड किया जाएगा, वो 13,000 का होगा फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज, 2 लाख रुपए फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज। ये है प्राइवेट के लिए और ये है गवर्नमेंट के लिए, ये डायरेक्टर ऑफ जनरल के द्वारा दिया गया है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके द्वारा दिया गया है। ये तो था शेड्यूल ऑफ नीट 2019 उत्तर प्रदेश यूपी के लिए। और इसके बाद आपको कहाँ से अप्लाई करना है मैं आपको वापस उसी वेबसाइट पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप आओगे, आने के बाद आपको दिखेगा सामने इस तरीके का डैशबोर्ड और यहाँ पर दिख रहा है आपको नीट UG रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आने के बाद आपको नीट UG रजिस्ट्रेशन पर 4UP पर क्लिक करना है। ये ओनली यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, वो सॉरी यूपी अभ्यर्थियों के लिए है जिनने फॉर्म अप्लाई किया था नीट का और उनके अच्छे खासे नंबर आए हैं और उन्हें यूपी में चाहिए अपना नीट MBBS यूपी से ही करना है, तो उनके लिए है। और इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आएगा, यहाँ पर नीट UG काउंसलिंग पर क्लिक करना, भरना है अपना रोल नंबर है नीट का वो डालना है, नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है और जो कैप्चा कोड डालने के बाद लॉग इन कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे, अपनी जो जानकारी है उसको फिल कर पाओगे, फिल करने के बाद उसे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर रिटर्न आप आओगे और आपको पासवर्ड आईडी जो रहेंगे आपके पास रहेंगे उससे जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराने के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे और आपका जो नीट का जो भी है वो अभी वेरी सून आने वाला, अभी दिखा नहीं रहा है, यहाँ से ही होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका चॉइस फिलिंग के लिए ओपन हो जाएगा और वहाँ पर अपना नीट का जो रोल नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसको आप अंदर एंटर कर पाओगे। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर है यहाँ से अलॉटमेंट लेटर निकाल पाओगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने मैंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिनने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।